स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है TVS अपाची RTR 160cc वाला मॉडल है और ये ABS वाला बाइक है। तो इस बाइक में हुआ क्या है, BS4 है इस बाइक का। इसमें हेडलाइट का जो स्विच सिस्टम है नहीं है, बट इस बाइक का जो हेडलाइट लैम्प नहीं चल रहा है। तो हेडलाइट लैम्प अगर ना जले तो हम लोग पहला स्टेप क्या चेक करें, जिसमें कि हमको पता चले जो हम लोगों का बाइक में प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो हेडलाइट ना जलने का कारण क्या है, अगर हेडलाइट बॉल कट जाता है किस तरह से चेकअप करें, अगर हम लोगों का AC वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो वोल्टेज किस तरह से चेकअप करें। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बाइक को, इग्निशन ऑन किया और इग्निशन ऑन है और बाइक का सेल्फ स्टार्ट दबाएंगे। इस बाइक में BS4 है, ये हेडलाइट स्विच डायरेक्ट है, सिर्फ डिपार स्विच है। अब हम आपको दिखाते हैं जो बाइक में हेडलाइट नहीं जल रहा है, सिर्फ LED लाइट जल रहा है दोनों, ठीक है। हम डिपार कर रहा हूँ तो देखिए, डिपार भी कर रहा हूँ तो बाइक में कोई भी लाइट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और LED लाइट सिर्फ जल रहा है। तो गाइस चलिए हम आपको बताते हैं जो पहला स्टेप हम लोग कैसे चेकअप करें। तो सो गाइस, मैंने हेडलाइट खोल लिया है और आप लोगों को सबसे पहले स्टेप जो है लैम्प चेकअप करेंगे। तो चलिए लैम्प चेकअप करते हैं। एक पॉइंट सही है और एक पॉइंट ख़राब है। तो एक पॉइंट तो जलना चाहिए था बट जल क्यों नहीं रहा है। चलो कपलर दीजिए। जल क्यों नहीं रहा है, चलिए। नहीं जल रहा। इनपुट लाइन जो है हैंडल बार स्विच का, इसमें हम वोल्ट चेकअप कर रहा है, वोल्ट इसमें आ रही है कि नहीं। तो चलिए इनपुट लाइन पे लगाया और यहाँ करंट नहीं आ रहा है, तो हमें जाना पड़ेगा RR यूनिट पर, ठीक है। तो चलिए RR यूनिट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम चेकअप करेंगे बाइक में AC करंट जो DC में कन्वर्ट करके रेगुलेटर RR यूनिट दे रहा है कि नहीं। तो आपको पता किस तरह से चले, जो यहाँ देखिए बैटरी का टर्मिनल हम लगा रखे रखेंगे। तो गाइस आर्मेचर कॉयल से जो हम लोगों का वोल्ट आता है AC करंट, तीन वायर में अटैच होके आता है। तो यहाँ BS4 बाइक या BS6 बाइक में तीन वायर में आपको मिलेगा जो आर्मेचर कॉयल से आता है। अब सवाल है, एक वायर में बॉडी अर्थिंग होता है और दो वायर का सिस्टम में हम लोग का वोल्ट आता है। तो हम लोग चेकअप करेंगे आउटपुट वायर, जो आउटपुट वोल्ट हम लोग का रेगुलेटर चार्जर दे रहा है कि नहीं। तो आपको किस तरह से चेकअप करें, जो सिंगल कपलर है इसमें हम लोग का रेड वायर है, इसमें हम लोगों का RR यूनिट से वोल्ट आता है। तो हम चेकअप करेंगे, यहाँ देखिए बैटरी से अभी हम लोग का वोल्टेज ले रहा है। तो चले इस पोल को हमको खोलना पड़ेगा और बाइक का किक मार के देखना पड़ेगा जो लैम्प हम लोग का सही जल रहा है कि नहीं। तो हमने खोल लिया है, अब हम चेकअप करेंगे यहाँ और बाइक का किक मारने के बाद अगर हम लोगों का लैम्प सही जल रहा है तो RR यूनिट भी ठीक है, हमको बाकी वायरिंग में चेकअप करना है। तो चलिए हम किक मार रहा हूँ। तो गाइस आप लोगों ने देखा 100% हमारा लैम्प सही जल रहा है, तो RR यूनिट भी हम लोगों का ठीक है। अब हम दूसरा चेकअप करेंगे, जो यहाँ से वायरिंग है, वायरिंग के सप्लाई हम लोगों का सही है या ख़राब है। मैंने नया बॉल लगाया है बट फिर भी नहीं जल रहा है, तो इस बाइक में थोड़ा परेशान कर रहा है मुझे। हम चेकअप करेंगे जो हम लोगों का डिपार स्विच है, इसका इनपुट लाइन में वोल्ट आ रही है कि नहीं। तो वोल्ट हमने चेकअप कौन सा वायर में करेंगे, ये वाला जो वायर है हम लोगों का इनपुट लाइन है जो डिपार स्विच का है। तो चलो इस वायर को हम दिखाते हैं, जो पीला में ब्लू है, पीला में ब्लू, ठीक है। तो चलो इस वायर को हम अटैच करते हैं और बाइक का स्टार्ट, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ऑरेंज कलर की वायर जो है हम लोगों का वोल्टेज वाले वायर है, इस पर हम इसको अटैच कर देंगे और हम लोगों का लैम्प अगर जल रहा है तो लाइन ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ ऑरेंज कलर पे वोल्ट लिया और हम यहाँ चेकअप करेंगे, देखो लैम्प हमारा लैम्प जल रहा है। तो यहाँ से अगर वोल्टेज हम लोग दे रहा है तो जल रहा है,
अब यहाँ से हम लोग इस वायर पे हम देंगे जो हम लोग का इनपुट लाइन है। तो गाइस देखो ये जल रहा है, देखो यहाँ जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का लाइन भी ठीक है, इस वायर पे वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है अब बाइक में समझ में आया। जो ये वायर हमको चेकअप करना है जो कहाँ से आ रहा है और क्या हुआ है, ठीक है। तो चलो इस वायर को चेकअप करते हैं जो वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए हम चेकअप करते हैं वो वायर कहाँ से कहाँ तक आता है। अभी ले हमको लगा के रखते हैं इस वायर में, हमें देखना है जो ये वायर है तो ये वायर कहाँ से कहाँ आता है वही हम देखेंगे। तो गाइस आप लोगों को बताया था जो ज़्यादा से ज़्यादा बाइक में वायरिंग कट छट निकलता है इसी जगह पर, क्योंकि हैंडल हम लोग घुमाते हैं तो यहाँ वायर पर लोड पड़ते हैं। तो चलो इसे हम लोग खोलते हैं और यहाँ देखते हैं कहीं वायर कटा हुआ तो नहीं है। मुझे तो संदेह लगता है इसी जगह पर, क्योंकि वायर लगता है कटा हुआ है। चलो इस वायर को यहाँ हम लोग फाड़ते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं, जो हम लोगों का वायर तो कटा नहीं है। तो गाइस मैंने पूरा वायरिंग भी खोला है, वायरिंग सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम मुझे लग रहा है यहाँ देखिए, जो ये वायर हम लोगों का हैंडल बार फ्रिज में जो डिपार्टमेंट आता है इनपुट लाइन है, इसमें वोल्ट नहीं आता है। अब ये वायर कहाँ से वोल्ट आता है हम आपको बताते हैं। जो यहाँ से कपलर होके और ये शॉर्ट करके इस वायर से आता है, तो ये वायर डायरेक्ट आता है यहाँ देखिए, इस वायर का साफ संपर्क है। तो गाइस ये रिले जो है, रिले काम नहीं कर रहा है। तो चलो रिले को खोलते देखते हैं जो रिले क्या हुआ है। तो गाइस यहाँ देखिए रिले में बहुत ही मुझे समस्या लग रहा है, ये रिले का कारण प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो हम मार्केट से रिले लाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो सो गाइस नया रिले और देखिए सेम है, बजाज कंपनी का है। तो चलो इसे इंस्टॉल करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो रिले लगाने के बाद हम लोगों का लाइन सही से आ रही है कि नहीं। तो चलो देखो एकदम 100% हम लोगों का हेडलाइट जल गया है, देखो डिपार भी काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए एकदम डिपार काम कर रहा है। अब हम आपको पुराना वाला रिले लगाता हूँ, देखिए देखो बंद हो गया। अब पुराना वाला रिले हम लगाएंगे, देखो नहीं जल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम नया वाला रिले लगाता हूँ, हमारा रिले जल रहा है और इसमें हम लोगों का डिपार स्विच भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, एकदम 100% आसानी से हम लोगों का हेडलाइट लैम्प जल गया है। तो गाइस आप लोगों ने देखा जो बाइक में हेडलाइट लैम्प नहीं जल रहा था BS4 बाइक में, इतना प्रॉब्लम है। क्योंकि BS3 बाइक में क्या होता था, अगर रिले ख़राब होता है तो एक पॉइंट लैंप नहीं जलता है। अब BS4 में क्या हुआ है, अगर ये रिले ख़राब हो जाता है तो दोनों ही हेडलाइट लैंप हम लोगों का नहीं जलेगा, क्योंकि जो इनपुट लाइन हैंडल बार स्विच को देता है ये रिले से देता है। तो आप लोगों ने देखा पूरा वायरिंग हमने चेकअप किया और पूरा वायरिंग हम लोगों का बाइक का सही था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था सिर्फ इस रिले तक। तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया आप लोगों के लिए कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों का भी अगर आ रही है तो आप लोगों को 100% पता चले, जो इतना खोलने का ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैंने सजीर बाइक गुरु मेरा नाम है, मैंने इतना मेहनत किया तब जाके मेरा हेडलाइट लैम्प जला। अगर आप लोगों का भी ऐसा पोजीशन होता है BS4 बाइक अगर हो TVS कंपनी का, तो सबसे पहले आप लोग कुछ भी मत फाड़ा फूड़ी करो, वायरिंग भी कुछ चेकअप मत करो, ये रिले लगा दीजिए और अगर नहीं जल रहा है तो बाद में आप लोग खोल के देखिए। बट पहले सबसे पहले आपको दिखाना है जो रिले लगा के आप लोग देख लेना हेडलाइट लैम्प जल रहा है कि नहीं। तो गाइस इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। तो वीडियो में आप लोगों को दिखाया लैम्प नहीं जल रहा था, अभी मेरा लैम्प भी जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, पीछे का भी हम लोगों का हेडलाइट लैम्प बैकलाइट लैम्प भी जल रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।